नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो मिल रही है, ये वीडियो आपको मंदिर पर ही मिल रही है। आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा है कि मैम मंदिर कितने का बना, मंदिर की लेंथ क्या है, हाइट क्या है, या मंदिर की विड्थ क्या है, गहराई क्या है, ये सब आप लोगों ने पूछा। तो आपने बोला कि मैम डिटेल में थोड़ा सा हमें बताएं। तो मैं बताना तो नहीं चाह रही थी कि मंदिर कितने का बना, क्योंकि फिर आप लोगों ये कमेंट कर देते हो कि मैम शो ऑफ कर रही है या मैम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, जबकि मेरी ऐसी कोई मंशा कभी भी नहीं होती। क्योंकि ठाकुर जी अपने लिए जो बनवाते हैं अपनी इच्छा से बनवाते हैं, और हर कोई अपनी तरफ से ठाकुर जी के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लाते हैं और अच्छे से अच्छा मंदिर बनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही है। तो चलिए बताती हूँ पहले कि मंदिर की जो हाइट है वो कितनी है, इसमें ड्रोर कितनी बनी हुई है। वैसे पहले बताया है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये है मंदिर का व्यू, आप देख ही रहे हैं, और मंदिर बना भी बहुत अच्छा है। और आप सब लोग बोल रहे हैं मैम आपके मंदिर की जो लाइट्स हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि कभी वीडियो ऐसी आती है। तो जी मुझे पता है, क्योंकि एक तो मंदिर पूरा वाइट है, उसके ऊपर अगर वाइट लाइट ही डलती है, और ठाकुर जी भी हमारे सफ़ेद ही हैं, राधा रानी भी सफ़ेद है, तो थोड़ा लाइट्स की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं मंदिर की। तो जो मंदिर है, आपको देखने में लग रहा होगा कि जो पहले वाला मंदिर था उसके अकॉर्डिंग ये मंदिर बड़ा लग रहा है, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मंदिर उतना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले मंदिर में पीछे POP की जो कोब है वो बनी हुई थी, उसके पीछे जो लाइट्स थी वो लगी हुई थी, तो उतना स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं मिला, क्योंकि जो ये लगाई हुई है, ये तो ये MDF बोर्ड लगा हुआ है, इसके पीछे एक वाइट कलर की शीट जो है वो और लगी हुई है, और इसके पीछे लाइट्स भी लगी हुई हैं। तो कुल मिला के जो पीछे का एरिया जो पहले कवर हुआ था उतना भी कवर हो ही गया। तो सिर्फ आपको इसलिए लग रहा हो क्योंकि इसमें बने हुए हैं स्टेप। तो जो मंदिर की हाइट है वो है 7 से 7.5 फुट के करीब है, और जो मंदिर की चौड़ाई है वो है 3.5 फुट। तो जो पहले का मंदिर था वो पूरा छत तक था, क्योंकि छत पर आपने देखा लाइट लगी हुई थी, तो जो छत के ऊपर जो लाइट लगी हुई थी वो मंदिर में आती थी, ठाकुर जी और राधा रानी के ऊपर आती थी। लेकिन इस बार जो मंदिर बनाया वो प्रॉपर मंदिर की शेप में बनवाया, और जो ऊपर का एरिया था वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली लग रहा था, तो बहुत ही यूँ कहें कि गंदा ही लग रहा था। तो जो ऊपर का भी बोर्ड है वो MDF में जो कटिंग करवाई, आपने पिछली वीडियोस में देखा ही था कि मशीन पर जो कटिंग हो रही थी तो उसको बनवाकर कवर कर दिया, तो वो पूरा एक मंदिर का हिस्सा ही लगने लग गया। और ऊपर लगवा दी एक येलो लाइट, आपको वीडियो में थोड़ा हटके लग रहा होगा, लेकिन जब हम खुद मंदिर में बैठकर, इस रूम में बैठकर मंदिर को देखते हैं तो जो व्यू होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। तो अब इसकी गहराई की बात कर लेते हैं कि मंदिर की गहराई कितनी है। तो जो मंदिर की गहराई है वो है 2 फुट 3 इंच के करीब है, तो पहले भी इतनी थी, हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई हो, लेकिन जो मंदिर में है, जो मेरे मंदिर के मेंबर हैं, मेरे मंदिर में जो मेरे भगवान हैं वो बढ़ गए थे, तो इसलिए जो मंदिर है वो बनवाना पड़ा मुझे। तो मंदिर में आपको स्पेस कुछ इसलिए भी ज़्यादा लग रहा होगा कि जैसे मैंने स्टेप्स बनवा ली हैं दोनों तरफ, और नीचे भी स्टेप बने हुए हैं, तो ऊपर राधा रानी कान्हा जी विराजमान हैं, जैसे वो एक अलग ही एरिया हो गया, क्योंकि थोड़ा हाइट पे लेकर चले गए ताकि नीचे हमें स्पेस मिल जाए। तो इनके नीचे ही मैंने भगवान श्री जगन्नाथ को विराजमान कर दिया, वहाँ भी येलो लाइट लगवाई है। मैं फिर बोल रही हूँ आपको वीडियो में थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन जब मैं देखती हूँ भगवान श्री जगन्नाथ जी पर जो लाइट पड़ती है येलो लाइट, वो बहुत ही अद्भुत लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और फिर बोलते हैं कि लोग मैम कि भगवान के नीचे भगवान को नहीं बिठाया जाता, तो देखिए अगर मेरे घर के मंदिर में जितना स्पेस है उतने में ही मुझे उन्हें विराजमान करना है, ये मेरी भाव है, मेरी श्रद्धा है। बात होती है पूजा की, आप पूजा किस तरीके से करते हैं, या आपके भावों में तो कहीं कोई कमी नहीं है। और ये हमारा अपना नज़रिया होता है कि
भगवान के नीचे भगवान को विराजमान नहीं करना चाहिए, वो बुरा मान जाएंगे या अच्छा नहीं होता। तो पहली बात तो यह कि भगवान सबके लिए अच्छे होते हैं, ये हमारा भ्रम है कि वो हमारे लिए ऐसा बिठाएंगे तो अच्छा नहीं करेंगे। नहीं, वो हमें हमारे कर्मों के आधार पर हमें जो कुछ भी लेते हैं देते हैं। और दूसरा, हमारे मन में भेद हो सकता है कि हम किसी के घर जाते हैं, उन्होंने हमें या कुर्सी पर नहीं बिठाया या नीचे ज़मीन पर बिठा दिया, ये हमारे, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, भौतिक संसार में रहते हैं, ये ईर्ष्या द्वेष हमारे मन में आ सकती है। भगवान एक है, ईश्वर एक है, शक्ति एक है। हाँ, रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपके घर में आपके पिता हैं वो आपके लिए पापा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के दादा हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी के दोस्त हैं, तो वो एक रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो वो एक ही, रिस्पेक्ट उनको उतनी ही मिलती है। तो ये भ्रम आपका दूर हो गया होगा। फिर तो ये जो दो स्टेप हैं, ये ऐसे हैं कि इन्हें हिलाया डुलाया जा सकता है, मैंने फिक्स नहीं करवाया है, ताकि कभी मुझे ज़रूरत पड़े इस पूरे स्पेस की तो मैं इन्हें हटाकर इस स्पेस को मैं यूज़ कर सकूँ। तो ये जो स्पेस है जहाँ पर मैं थाली रखती हूँ, भोग की थाली भी आसानी से आ जाती है, और जो इसके अंदर जैसे आरती की थाली है वो भी बड़ी इजीली आ जाती है। तो ये 1 फुट 4 इंच के करीब है, तो काफ़ी स्पेस मिल गया यहाँ पर भी मेरे को। और आप अभी देख ही रहे होंगे कि मंदिर में मैंने जो गुलाल रखा हुआ है वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बसंत पंचमी से होली शुरू हो चुकी है, 40 दिन का फाग होता है ये, तो मैंने जो गुलाल है वो मंदिर में ही रखा हुआ है। तो ठाकुर जी के बोल थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ, ऐसा नहीं है कि डेली लगाया जाता है, लेकिन मैंने गुलाल मंदिर में रखा हुआ है, और जो राधा रानी ने गुलाल फूल हाथ में लिया हुआ है, तो ये भी बता दूँ कि ये फूल मैंने अपने घर के गमले में से ही निकाला है। जब ये जैसे फूल यहाँ से हटाऊँगी, ये थोड़ा सूख जाएगा, फिर से गमले में डाल देते हैं और फिर से फूल बनकर आ जाते हैं। तो आप भी अब से यूँ ही करा करें कि जो भी ठाकुर जी राधा रानी को फूल माला पहनाते हैं, गेंदे के फूल की बात कर रही हूँ, गुलाब के फूल की बात नहीं कर रही, और तो उनको आप गेंदे के फूल वहाँ से हटाएं, अपने घर के गमले में डाल दें ताकि फिर से वो फूल बनकर आ जाए। हाँ, गुलाब की माला पहनाते हैं उन्हें, तो आप उन गुलाब की पत्तियों को इकट्ठा कर लें, फिर गुलाब जल बना लें। तो गुलाब जल की वीडियो वैसे मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम फिर से बताना, तो पूरी कोशिश करूँगी फिर से आप लोगों को दोबारा बताऊँ कि गुलाब जल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मंदिर की थोड़ी डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो ये है MDF बोर्ड, अभी बताया ही है। तो पीछे ये मोर पंख बना हुआ है और ये बांसुरी बनी हुई है, ये थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, पीछे ये मोर पंख बना हुआ है और इधर ये बांसुरी बनी हुई है, ये आप देखें। और ठीक राधा रानी के पीछे एक ओम भी बना हुआ है। तो ये देखिए, बांसुरी मैंने आपको दिखाई और राधा रानी के पीछे ये ओम भी बना हुआ है। तो थोड़ा स्पेस का इशू था, नहीं तो थोड़ी सी इसकी हाइट नीचे और हो जाती, तो आपको ओम जब भी वीडियो देखते आपको ओम भी दिखता और जो बांसुरी है वो भी दिखती। तो हर कोई अपने जो घर में स्पेस होता है उसी के हिसाब से मंदिर बनवाता है, तो आप भी अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन लेना चाहें ले सकते हैं। हाँ, एक बार कोशिश करूँगी, जब जैसे अभी राधा रानी और कान्हा जी के मैं जो पोशाक है चेंज करूँगी, तो आपको उसी बीच में एक बार जो पूरा मंदिर का व्यू है, जो जैसे पीछे जो मैंने बताया कि मोर पंख बना हुआ है, बांसुरी है, ओम बना हुआ है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो साइडों में ये भी MDF बोर्ड पर डिज़ाइनिंग की हुई है, वीडियोज़ में दिखाया था कि मशीन पर कैसे होती है, और छत पर भी ऐसी ही डिज़ाइनिंग की हुई है। हो सकता आगे आगे जैसे अभी होली आ रही है और जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, तो मंदिर का जो तैयार करने में, फूल बंगला लगाने में मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि इन सब के ऊपर अभी लग जाएंगे हुक, जिससे कि फूल माला टांगी जा सकती है या जो भी जैसे भी आपकी इच्छा मंदिर को सजाया जा सकता है। इसे आर्क बोला जाता है, जैसे मंदिर का पूरा लुक दिया है। तो साइड में जो पिलर है ये सागवान की लकड़ी के हैं, तो ये थोड़ा कलर कंट्रास्ट हो गया, वो वाइट है तो ये ब्राउन में बना लिया। और आप सब लोग बोल रहे थे कि मैम मंदिर में आपके पर्दा नहीं है, तो जी पर्दा भी ज़रूर लगेगा। और ये देखिए, ये मैंने अंदर की तरफ ये पाइप लगा ली है, यहाँ पर पर्दा भी लगेगा, और जैसे त्योहारों के टाइम में यहाँ पर मैं फूल माला भी टांग सकती हूँ, या जो भी डेकोरेशन मुझे करनी हो, जिस तरीके से करनी हो, तो वो सब इंतज़ाम मैंने किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं मंदिर की जो ड्रोर वगैरह है उसकी। तो पहले भी 3 ड्रोर थी, लेकिन 3 ड्रोर थी मंदिर के इस तरफ, और अब ये करवा ली है सेंटर में, लेकिन अब जो इस ड्रोर की जो गहराई है वो काफ़ी हो गई है,
तो ये देखिए, पहले जो गहराई थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन अब गहराई ज़्यादा है, तो इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। इसके अंदर ठाकुर जी की ज्वेलरी है, इसमें ठाकुर जी की जो पोशाक है वो रखी जाती है, और ये है इसमें जो ठाकुर जी की नई पोशाकें होती हैं या जो मेरे को यूज़ नहीं करनी होती, ये पीछे तक है। पीछे सामान वो रखा जाता है जो बहुत कम यूज़ होता है, आगे आगे वो सामान रखा जाता है जो मुझे जैसे 5-7 या हफ्ते 10 दिन में जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। और इस तरफ भी पल्ला है, जैसे इस तरफ जाए ठाकुर जी के लिए ये चारपाई और इनका जो गद्दा वगैरह वो रखा जाता है, सुबह ठाकुर जी को श्रृंगार किया जाता है, उनके लिए जो पगड़ी के डिब्बे हैं गोपाल जी के वो हैं, और उनके चंदन तिलक वगैरह जो भी लगाया जाता है वो सामान नीचे की तरफ लगाया। यहाँ मैंने शेल्फ लगवा दी है, पहले शेल्फ नहीं थी तो जिससे मुझे बहुत दिक्कत हुई, और जैसे ही शेल्फ लगवाई उससे मुझे एक तो स्पेस भी ज़्यादा मिल गया, और ये सब सामान तो वही है जैसे कि मैं जो एक्सेसरीज वगैरह राधा रानी ठाकुर जी के लिए बनाती रहती हूँ। ये है उनकी चंद्रिका, अभी इस पर काम चल ही रहा है, बनी रही है। तो पीछे जैसे मेरी जो धार्मिक बुक्स हैं जिसकी मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आगे आगे रखती हूँ, और जिसकी मुझे ज़रूरत कम होती है वो पीछे की तरफ रखी हुई है, और वो भी मैंने किसी टोकरी में रखी हुई है ताकि मुझे ज़्यादा गहरा तक जाना ना पड़े। और टोकरी को खींचा है मैंने, यानी कि बास्केट को खींचा, और वो पूरी बुक्स हैं वो मेरे सामने आ गई। तो गहराई तो 2 फुट 3-4 इंच के करीब है ही, और जो नीचे ड्रॉर बनी हुई है उसकी हाइट देख लेते हैं, उसकी है 1 फुट 10 इंच के करीब, और जो मंदिर का ऊपर का हिस्सा है जो मैंने आपको दिखाया था वो भी 1.5 फुट के करीब ही है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मंदिर की हाइट कितनी है, गहराई कितनी है, कितनी ड्रॉर बनी हुई है, स्टेप मैंने क्यों बनवाए, जो भी था मैंने आपको बताया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ये है कि मैम ये मंदिर बना कितने का। तो जी 52,000 के करीब इस मंदिर में लगा है। तो जी ये आप बोलोगे कि मैम 52,000 तो बहुत लग गया, तो जी बिल्कुल, हर इंसान अपनी जेब के अकॉर्डिंग बनवाता है। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जेब में पैसा नहीं भी होता फिर भी ठाकुर जी आपसे सारे काम करवा लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसा बहुत सारा होता है फिर भी ठाकुर जी आपसे कुछ नहीं करवाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जो होता है इन्हीं की इच्छा से होता है। हाँ ये थोड़ा महंगा हमें इसलिए पड़ा, तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं जो इसके ऊपर पेंट हुआ है ये डीको पेंट हुआ है, जो डीको पेंट है वो बहुत महंगा होता है, वो 20,000 से 22,000 के करीब तो पेंट का लग गया। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोर्ड लगाएं, क्योंकि इसके ऊपर तो 2-2 शीटें लग गई, एक पीछे शीट लगी है एक ये बोर्ड लगा है, तो थोड़ा कॉस्टली हो गया, ऊपर से हमने करवाया डीको पेंट तो ज़्यादा कॉस्टली इसलिए हो गया। हाँ आप करवा सकते हैं, जैसे कि पीवीसी की शीट आती है उसके ऊपर आजकल डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी अच्छी आती है, आप उससे भी जो मंदिर है अपना बनवा सकते हैं, लाइटनिंग वगैरह बिल्कुल ऐसी ही आएगी तो वो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो बस ये मैंने आपको बताया, आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये वीडियो बनाई कि मंदिर कितने का बना, मंदिर की हाइट लेंथ जो भी है, स्पेस कितना है वो सब बताया, और दूसरा आपका ये भ्रम भी दूर कर दिया कि बार बार मुझसे बोलते हैं कि जगन्नाथ जी को नीचे बिठा दिया या राधा रानी और कान्हा जी को ऊपर बिठा दिया, तो ये भी आपका भ्रम दूर कर दिया मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आपकी रिक्वेस्ट की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें और कमेंट बॉक्स में जाकर बताते रहें आगे और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्ण।